राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर युवा कांग्रेस की ओर से महिलाओं को सशक्त करने और उनके साथ जोड़कर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए शक्ति सुपरशी अभियान का आगाज किया गया है। इस अभियान के तहत आज अभियान प्रभारी एवं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सचिव शरीफा रहमान अजमेर पहुंची और उन्होंने तोपदड़ा स्थित गढ़वाल पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शक्ति सुपर शी के माध्यम से समाज सेवा और पॉलिटिक्स में जुड़ने वाली महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सभी को जोड़ने के साथ ही पार्टी को मजबूत करने और उसकी रीति नीति की जानकारी इस माध्यम से दी जा रही है, जिससे कि वह समाज के उत्थान और समाज सेवा के साथ ही पॉलिटिक्स में अपनी अहम भूमिका निभा सके। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा एक नई कैंपेन शुरू की है जिसका नाम शक्ति सुपरशी है। शक्ति सुपरशी महिलाओं को जोड़ने का एक कैंपेन है जो बूथ लेवल से लेकर राष्ट्र लेवल तक हर एक महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एज ग्रुप की महिलाओं को, जो अपनी बातें संसद तक रखना चाहती हैं, जो पॉलिटिकली कुछ करना चाहती है, जो सोशली सोशल एक्टिविस्ट है या समाज के लिए कुछ करना चाहती है, और हर एक महिलाओं को शक्ति सुपरशी के द्वारा पॉलिटिक्स में और भारतीय युवा कांग्रेस में भागीदारी होने का मौका मिलेगा। इसीलिए ये मुहिम हम चला रहे हैं। आज अजमेर से ये शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में हम उम्मीद करते हैं कि लाखों सैकड़ों महिलाएं जोड़ पाएंगे। आज अजमेर के अंदर हमारे भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा एक हमारा कैंपेन स्टार्ट हुआ है शक्ति सुपरशी, जिस अभियान के अंदर कांग्रेस ने अभियान इसलिए शुरू किया गया है, जो हमारे देश की महिलाएं हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं और महिलाओं की जो आवाज़ है वो दबी हुई रह जाती है, तो नारी को भी न्याय मिलना चाहिए जो राहुल गांधी जी की सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए भारतीय युवा कांग्रेस ने अभियान शुरू करा गया है, जिसके अंदर आज अजमेर के अंदर सर्वप्रथम इस अभियान की शुरुआत इस अभियान की जो इंचार्ज हैं हमारी शरीफा रहमान जी, जो कि यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी भी हैं, वो आज अजमेर में पधारी हैं और आज हमारे यहाँ पर लगभग 100-125 महिलाओं ने इस अभियान में जुड़ के इसमें सदस्य बनी है और आने वाले दिनों के अंदर अजमेर की शहर की इस अभियान की कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त होगी और आने वाले दिनों के अंदर करीब 500 से 1000 महिलाएँ इस अभियान के अंदर जोड़ेंगे।